उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ये पहुंच मैंने कद्दू सके। ले लिए, इसको अब मैंने अच्छे से छिलका उतार लिया है। तो आइए सबसे पहले हम कद्दू को कश कर लेते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है, इसमें हम कद्दू को कश कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इधर से हम कद्दू की कटिंग करेंगे, कद्दू को कश करेंगे। ये कद्दू कश है, तो आइए ये वाला ब्लेड हम ऊपर रखेंगे। देखें कितने अच्छे से कद्दू कश हो गया है, ये देखें। तो अब हम इसको उसी वक्त पानी में डाल देंगे क्योंकि ये काला ना हो जाए। गाइस सबसे पहले हम कद्दू इसलिए कश करिए है कि हम इसको बॉईल करके तो इसको फ्रिज में रख सकें। तो फ्रिज में रख के हमने कद्दू का रायता बनाना है, इसलिए हर चीज़ हमें ठंडी चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। गाइस प्याज मैंने एक अदद लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट के इसको पानी में थोड़ी देर भिगो दिया है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए अच्छे से इसका पानी निचोड़ के। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब ये फुल ठंडा है तो ये हमने रख लिया है। हमें नमक चाहिए हसबे जैका, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। ये देखें मैंने टमाटर लिया है, छोटा सा एक लिया है, इसको मैंने रफ सा क्यूब्स में काट लिया है। ये मैंने खीरा लिया है एक अदद, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने काट के फ्रिज में रख दी थी। ये कद्दू का रायता बनाने के लिए हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। यह हरी मिर्च मैंने ली है दो अदद, इस मोटी वाली, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैंने कद्दू लिया है, कद्दू को मैंने आपको दिखाया आगे कि कद्दू हमने कद्दूकश करके इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इसको मैंने पानी निकाल के गर्म, तो इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ये इस टाइम फुल ठंडा है। और इसका पानी आपने अच्छे से निकालना है इसके अंदर से। और ये है चटनी, ये पुदीने की चटनी है। गाइस ये मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, मैंने ये पहले आपको, गाइस ये चटनी है पुदीने की, ये मेरे चैनल पे अपलोड हुई है, ये मैंने पहले आपको बनानी सिखाई है, आप उधर से देख सकते हैं। मैं आपको रफ सा बता दूं, ये पुदीने की एक गट्ठी मैंने ली थी। तो इसमें मैंने डाला है अनारदाना 1 टेबल स्पून, उसको धो के मैंने पीस लिया था। 3 लहसुन की कलियाँ हैं जो मैंने इसमें डाली हैं, और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक है, और 2 हरी मिर्च है। तो इसको मैंने सबको पीस के तो ये इसकी चटनी बना ली है। गाइस ये होममेड दही है, ये तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हमने दही को अच्छी तरह इससे मिक्स कर लेना है, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पुदीने की चटनी। अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च पीस के डाल लें ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। अब हम इसमें डालेंगे खीरा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। गाइस ये कद्दू का रायता बनाने के लिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए, मेरी हर चीज़ यक ठंडी है। ये हमने टमाटर डाल दिए, ये मैंने कद्दू लिया है, कद्दू ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, और ये देखे इतना सा रह गया। तो ये बॉईल करके हम जब इसको अच्छे से इसका पानी निकालेंगे तो ये थोड़ा सा ही रह जाएगा। तो ये देखें, ये अब हमने इसमें डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये देखें गाइस, ये बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छे से कद्दू का रायता बन गया है। अब हमें इसमें नमक पूरा करना है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से कद्दू का रायता बन गया है। तो गाइस ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आइए अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मेरा कद्दू का रायता बन के तैयार हो गया है, इसको मैंने डिश आउट कर दिया। तो गाइस ये देखें कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है, आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े का बनेगा और आपके घर वाले इसे ज़रूर पसंद करेंगे। ये आप चाहे रोटी के साथ खाएँ या बिरयानी वगैरह या कुछ भी आप बनाएंगे तो हर तरह ये मज़ा देगा आपको।
तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और आखिर में सब्सक्राइब करें।